मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं हॉस्पिटल के चक्कर में कितनी परेशान हो चुकी हूँ। देखिए, चाय लेने आई थी हस्बैंड को, उनको नाश्ता करवाना है, तो यहाँ चाय की कैंटीन बहुत दूर दूर है। परेशान हो चुके हैं हॉस्पिटल से, अब छुट्टी हो जाए तो अच्छा है। तो देखिए, मैं हॉस्पिटल में एंट्री कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा है, साफ़ सुथरा है, अच्छे से है। मेरे हस्बैंड का इलाज अच्छे से हो गया, मुझे और क्या चाहिए। हेलो एवरीवन, देखिए अब मैं नहा के फ्री हो चुकी हूँ और मैं घर आई थी कपड़े धोने। मैंने कपड़े धोए, हस्बैंड के कपड़े धोए, अपने कपड़े धोए, अब मैं फिर हॉस्पिटल जा रही हूँ। बहुत थकान हो रही है, लेकिन क्या कर सकते, मजबूरी है, हॉस्पिटल तो पहुँचना ही पड़ेगा। तो अब मैं हॉस्पिटल जाके ही मिलूँगी आपको। आपको मैं दिखा देती हूँ मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। ये देखिए, मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ नीचे हैं। तो अब देखिए, मैं सड़क में आ चुकी हूँ और अब मैं घर से निकल रही हूँ। और आप बोल रहे होंगे आजकल ब्लॉग आधा अधूरा उल्टा सीधा बना रही हूँ, तो क्या करूँ, परेशान हूँ। पर चलो, ब्लॉग बनाना भी काम है। लोग बोलते हैं ये हॉस्पिटल से ब्लॉग बना रही है, चलो लोगों का क्या है, ये तो मेरा काम है। ब्लॉग बनाऊँगी मैं जब तक बना सकती हूँ, और अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ। बाकी लोगों का क्या है, तो बोलते ही रहते हैं। आप लोग मेरे साथ हैं, और जो लोग, कुछ लोग नहीं हैं, वो सोचते हैं तभी तो बोलते हैं कि भाई ये ब्लॉग बनाती है, हॉस्पिटल में इसका हस्बैंड है। तो मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑपरेशन हमने खुद करवाया है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी काफ़ी टाइम से, तब वो तो नेचुरली बातें करवाना ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है। और तो आप देख सकते हैं मैं सड़क पहुँच चुकी हूँ, और ये है मेरी स्कूटी। पर मैं स्कूटी पे नहीं जाऊंगी, बस में जाऊंगी, क्योंकि ऊपर अभी हमने कितने दिन रहना है, क्या पता है स्कूटी पार्किंग कहाँ रखूंगी, और वैसे मुझे चलानी नहीं आती अच्छे से। तो फिर परेशान होने से अच्छा अपने बस में जाओ, और बस आने वाली है, फिर मैं निकलूँगी और पहुँचूँगी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँच के मिलती हूँ आपको। आजकल मैं आधे अधूरे ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है हॉस्पिटल के लिए, इसलिए मैं थोड़ी सी बिज़ी रहती हूँ और भाग दौड़ में हूँ। आधा अधूरा जैसे होता है टूटा फूटा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जितना मेरे से हो सकता है उतना बना रही हूँ। बाकी तो चलो, परिस्थितियाँ तो चली रहती हैं अच्छी बुरी, तो उसमें काम करना तो नहीं छोड़ते हम, तो ये भी एक काम है हमारा। जब हम ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो ब्लॉग बनाना भी चाहिए, ये भी इसको काम रूटीन से समझ कर काम ही चलाना चाहिए। तो कई सोचते होंगे कि ये हॉस्पिटल से ब्लॉग बनाती है, ब्लॉग मतलब दिखावा करती है, वो सब कुछ भी बोल सकेंगे। किसी ने बोला भी मुझे कि हॉस्पिटल से तू ब्लॉगिंग क्यों करती है, तो मुझे किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। आप साथ रहिए, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी मैं आपको हॉस्पिटल जाके मिलती हूँ, आप लोग साथ देंगे तो मैं सारी परिस्थितियों से और लड़ने के लिए तैयार हूँ। बाय बाय। देखिए मेरे पीछे बंदर है, तो ये यहाँ होते हैं, बहुत बंदर है बहुत। ये देखिए पीछे कितना अच्छा व्यू दिखता है मेरे घर को भी, ये देखिए बिल्कुल अच्छा अच्छा व्यू है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है अपने घर आके। और चलो जल्दी आ जाएंगे, 2-3 दिन में। हॉस्पिटल में भी हम इसलिए रह रहे हैं क्योंकि अच्छे से रिकवर होके ही आना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर जाना पड़े तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं पहुंच गई देखो हॉस्पिटल हस्बैंड के पास, और अब मैं जा रही हूँ दवाइयाँ लेने। थोड़ी सी दवाइयाँ लानी है, तो मैं जा रही हूँ केमिस्ट की शॉप तक। अभी मैं थक हार के कपड़े धो के सारा काम करके अभी पहुँची थी, तो डॉक्टर ने बोला 1-2 दवाइयाँ हैं वो लेके आऊँ, तो अभी जा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत गंदा मौसम हुआ है, बारिश का मौसम, दिन में यहाँ बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ उनको।
तो ये देखिए मैंने दवाइयाँ ले ली हैं, अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड के पास हॉस्पिटल में। भाग दौड़ पूरा दिन कब निकल जाता है कोई पता नहीं, पर आज मैं घर जाके थोड़ा रिलैक्स होके आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाग दौड़ भी ज़रूरी है, तो मैं अब जा रही हूँ हस्बैंड के पास। Thank you.